हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है शीतल षष्ठी पूजा का दिन, सुबह सुबह पूजा हो गया है। मैं जस्ट फ्रेश हो गई थी और गंगा जल लेके हम लोग ने पूजा कर दिया। मम्मी ने वो कहानी बताया और अभी पापा पूजा कर रहे हैं। और आज तो उतना खाना बनाने का कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग कल ही बनाने के वो खाते हैं आज, बट सुबह सुबह चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद देखते हैं आगे। आज इतना टाइम है तो कुछ प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं। किसको चाय के साथ मैरी गोल्ड पसंद है या कुछ भी मैरी? ये तो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम मेरी और मम्मी की चाय हम लोग बालकनी में इंजॉय करेंगे क्योंकि आज का वेदर बहुत अच्छा है और खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है। आज बहुत टाइम है हम लोग के पास, आज हम बहुत फ्री है तो इसीलिए हम लोग आ गए। टाइम मिस कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का दिन अपना। हम लोग बैठ के, बेबी भी सो रहा है, प्लस पॉइंट ये है वो सो गया है, प्लस पॉइंट। तो चलो रिलैक्स कर रहे हैं अभी हम लोग। अब रिलैक्स ही मतलब फ़ोन पे कुछ देखेंगे, फेसबुक में क्या चल रहा है, यूट्यूब में क्या चल रहा है, फिर उस पर चर्चा करेंगे, यही है हम लोगों का रिलैक्स। टिप्पणी देना है हम लोगों को अपना अपना। और ये है सीजनों का खाना, मछली, दाल, जो फ्राइज सारा बता रही थी, पोस्तो। हम लोग सब अभी लंच पे बैठ गए जल्दी से क्योंकि कुछ प्लान बना है, शायद अब वो एग्जीक्यूट होगा। गाड़ी भी बुक हो चुका है पर डेस्टिनेशन का भी ठीक नहीं है, वो देखना है। तो जल्दी से खा लेते हैं लंच, उसके बाद देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। और जैसे कि लंच टाइम में हम लोग बोल रहे थे कि कुछ जाने का प्लान हो रहा है, वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोग निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं कूबन पार्क। तो सब रेडी होके एकदम निकल गए हैं, अब जाके अब देखते हैं कि जगह कैसा है। वो पार्क एम्बियंस होगा तो वहाँ पर बैठेंगे, फिर हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन तो एज यूजुअल फिक्स है, शायद वहाँ पे भी जाएंगे, जब जाएंगे तब बताएंगे। पर फिलहाल अभी चलिए चलते हैं पार्क। और हम लोग पहुंच चुके हैं कूबन पार्क में। ये जगह मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है, ऐसे पार्क या इस टाइप का कुछ, जंगल टाइप का कुछ। मुझे हमेशा मॉल्स या ऐसे जगह ही अच्छा लगता है, बट या सबके साथ तो आना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आके एक छोटा मोटा पिकनिक जैसा चल रहा है और यहाँ पर मिला है काइंड ऑफ झालमुड़ी, इधर भी मिल रहा है और बाहर भुट्टा मिल रहा था, तो एक भुट्टा और झालमुड़ी लेके आ गया। लो देखो, तुम्हारा बहुत पार्क घूमने का शौक है। बहुत कीड़ा है इधर, बट अच्छा चीज़ मिल गया मुझे। यहाँ पर रोस्टेड कॉर्न मिलता नहीं है, जनरली बॉयल करके देता है जो खा के पक गए हैं। यहाँ पर जैसे ही एंट्री कर रही थी गेट में ये था, तो बेबी को भी फीड कराना था। हम लोग एक स्पॉट ढूंढे, वहाँ पर बैठे, उसको फीड करा दी। मीनवाइल ये जाके मूढ़ी, और लिटरली जिसे झाल मूढ़ी कहते हैं ना, वही झाल मूढ़ी है, एकदम झाल है। विदाउट मिर्चा, विदाउट मिर्चा भी मूढ़ी को रोस्ट ही किए थे, झाल झाल है लेकिन अच्छा लगा। और ये तो बहुत टेस्टी, क्या बोल रही, मेरा फेवरेट है रोस्टेड कॉर्न। पार्क में घुसते घुसते मम्मी को दिख गया ये झाल मूढ़ी। झाल मूढ़ी खाना है। मम्मी को झालमुड़ी नहीं दिखा, मम्मी को गुपचुप का दुकान दिखा, फुचका है, फुचका है खाएंगे, गोलगप्पा सब लिस्ट में है। तुम लोग खाने जैसे कि पिकनिक के लिए आए हो तो बैठ भी गए, वो भी हो गया है, बातें भी चल रहा है, चाय कॉफी भी आ रहा है इधर, वो भी खाएंगे। पहले अभी स्नैक्स चल रहा है, फिलहाल खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। पिकनिक का मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ये बैंगलोर में कहीं नहीं मिलता, यहाँ पर लकीली मिल गया है। तो ये है, ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप एक राउंड पार्क घूमने से अब 4-5 किलोमीटर का एक वॉक हो जाएगा। तो मैं तो उसमें नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, पापा ऑलरेडी चले गए घूमने, तो इधर से घूम के फिर शायद फिनिक्स मॉल जा सकते हैं हम लोग, देखते हैं। जाएंगे, जाएंगे। ओके, तो वह जाएंगे। हाँ,
पापा दिख गए तो आ रहे हैं, देखते हैं पूछते हैं कि मुड़ी खाना है कि नहीं। हम लोग का ऑलमोस्ट हम लोग का शाम को टाइम पर घूमना हो गया कंप्लीट। अभी जा रहे हैं अभी बैक टू हमारा डेस्टिनेशन, जो मोस्ट अवेटिंग डेस्टिनेशन होता है। घूम जा रहे हैं कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। जगह कैसा है? बहुत अच्छा। कैसा लगा पापा? जगह तो सुपर है। मच्छर ज्यादा है? मच्छर बहुत है। जगह अच्छा है ना? घूमने लायक बहुत अच्छा है। हाँ, शाम के टाइम पे आने के लिए अच्छा है। हम लोग का घूमना कंप्लीट हो गया है, निकल गए, लेकिन मम्मी देख के रखी थी ना फुचका का दुकान, तो हम दोनों अभी वही जा रहे हैं। वो लोग गाड़ी पे है, बेबी पापा और वो, और हम लोग गुपचुप के देखते। मिल गया हमें फाइनली गुपचुप का दुकान। यहाँ पर डाब बिक्री हो रहा है और ये है मोस्ट अवेटेड गुपचुप का दुकान। और हम लोग गाड़ी में चढ़ गए हैं, अब जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, जो हमारा यूजुअल डेस्टिनेशन होता है, हर कहीं पर भी घूमने जाओ तो उधर ही चलते हैं। देखते हैं आज कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है, मतलब लिस्ट ऑफ शॉप्स है जहाँ पर टारगेटेड है जाना, तो उधर ही पहले जाएंगे, फिर बैक टू पैविलियन होगा। बेबी लेके यहाँ पर बैठा दिया है और मैं और मम्मी चली अभी होम सेंटर में थोड़ा मुआयना करने, शायद कुछ शॉपिंग भी हो सकता है। हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेबी के लिए क्लब जा रही हूँ। मम्मी को पापा को बैठा दी होम सेंटर पे, बेबी के साथ है वो लोग, और हम लोग निकल गए हैं कुछ देखते हैं बेबी के लिए, कुछ आइटम देखते हैं, उसके बाद फूड कोर्ट में जाएंगे, फिर निकल जाएंगे इधर से। टाइम कब निकल जाता ना यहाँ पर पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर बेबी के लिए ड्रेस खरीदा गया है। हाँ, ऑप्शन तो बहुत सारा है। ऐसे भी जब भी हम लोग आते हैं फिनिक्स, तो बेबी के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पर, क्योंकि मैंने बेबी का शॉपिंग करके यहाँ पर ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर बेबी का कुछ खरीदूँ, अगर नहीं खरीदूँ तो मुझे कैसा लगता है कि कैसे हम लोग घूम के आ गए और उसके लिए कुछ नहीं खरीदा। तो उसका कुछ आइटम खरीदूँ ना, मुझे इतना खुशी होता है पता नहीं क्यों। और हो गया, अभी पेट पूजा करने आई हूँ फूड कोर्ट, कुछ खाऊंगी क्या, एक ही फिक्स रहता है। यहाँ पर भी हम लोग का सेम रहता है, मोमो खाती हूँ मैं और वो खाता है नूडल्स और चिली चिकन, उसको यहाँ का नूडल्स बहुत पसंद है। और यहाँ पर खाने के बाद मम्मी पापा बोले कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग होटल से जो खाए थे तो वो खा के उन लोग का स्टमक अभी तक फुल है, और वो लोग बोल रहे कुछ नहीं खाएंगे। हम लोग भी यहाँ पर खा के अब जस्ट निकल जाएंगे। और आज संडे है, बिलीव नहीं करेंगे, मॉल पे इतना भीड़ है, बैठने को भी जगह नहीं है। हम लोग को तो मतलब लिटरली 2-3 मिनट वेट करना पड़ा कहाँ खाली होना पड़ा, फिर फाइनली ये स्लैब दिखा। ये कोई टेबल चेयर नहीं है जहाँ पर मैं बैठी देखी, ये एक लॉन्ग स्लैब है जिसपे कुछ चेयर्स लगा हुआ है, सारा टेबल्स यहाँ पर लोग सीजलेस खा रहे हैं, तो सीजलेस का धुआं आ रहा है और ये चोक हो रहा है। सीजलेस एकदम भी पसंद नहीं है, बट ठीक है, लोगों का चॉइस, अगल बगल में खा रहे हैं मैं क्या बोलूँ। तो हाँ, जैसे कि मैं बोल रही थी सारा टेबल फिल है, मैं जस्ट एक आपको झलक दिखा देती हूँ। जैसे कि दिखाया, मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं सकती, तो प्राइवेसी इशू भी हो सकता है कि किसी को पसंद ना भी आए कि मैं वीडियो कर रही हूँ, इसलिए जस्ट ऐसे झलक दिखा दिया। हाँ, फिलहाल सारे दुकान में भी तभी है, कुछ ज़्यादा ट्राई करने की भी ऑप्शन सोचूंगी भी तो इतना लंबा लाइन है कि नहीं खा सकते हैं।
जैसे बोल रही थी मेरा मोमो आएगा, तो ये है वो चिकन मोमो, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, और इसके नूडल्स का इंडिकेटर ये है। ये नूडल्स रेडी होते ये बस होगा तो फिर ये जाएगा। और ये पाव मोमो का मोमो मुझे इतना पसंद है, कैसा लगता तुम्हें? मोटा मोटा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। हम घर वापस आ गए हैं, वहाँ पर जैसे मैं बोली थी वो नूडल्स खाएगा, लेकिन वो खा नहीं पाया बेचारा, उसको पैक करना पड़ा गया क्योंकि बेबी रोने लगा, और हमें फिर घर आना पड़ा, उसको भी फीड करा के। अभी वो मस्त खेल रहा है, उसको अपने घर मिल जाता है, अपना सीलिंग देख जाता है, तो बस एकदम हैप्पी हैप्पी। बाहर उसको एकदम पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, तो वो बहुत खुश है, खेल रहा है। हम लोग वही नूडल्स खाए, फिर मैं अभी एज यूजुअल जो बोलती हूँ साबू, वो मम्मी गर्म करके दी तो वो खाऊंगी। और जो मैं बोल रही थी मिनी क्लब से उसके लिए ड्रेस लिया है वो ये वाला सेट ऑफ थ्री, और सेम पैटर्न का मैंने ट्राउजर्स का भी एक सेट ले लिया, तो वो मैचिंग हो जाएगा, वो है ये। तो ये सब सैनिटाइज करना है इसलिए बाहर ही रहेगा। ये मिनी क्लब का कपड़ा का फैब्रिक इतना सॉफ्ट होता है ना वहाँ, तो इस ब्रांड का मैं यूजुअली सेट लेती हूँ, तो वो नाइट ड्रेस के हिसाब से भी अच्छा होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। और अगर आप नोटिस करोगे तो इसका जो भी टी शर्ट होता है वो ऐसे राउंड नेक होता है, मतलब गला उसका कवर रहता है, फुल कवर तक होता है, जो मतलब अच्छा होता है, ठंड नहीं लगेगा। आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, टूर हम लोग का इंस्टेंटली प्लान बना, गए, अच्छा लगा। लेकिन कूपन पार्क का एक चीज़ है कि फैमिली गैदरिंग्स भी होता है, लेकिन पर इतना जंगली मच्छर था और कीड़े मकोड़े इतना था कि कहीं पर एक जगह बैठ नहीं सकते थे। जो बोलते हैं पिकनिक कर सकते हैं, बट वो एकदम सुटेबल प्लेस नहीं है, आई वुड नॉट रिकमेंड हाईली। कुछ बच्चे भी गए थे अपना गेम्स लेके, वहाँ पर खेल रहे थे, बड़े भी जाके बैठ के बातें कर रहे थे, मतलब ओवरऑल हर एज ग्रुप का सब फैमिली आया था। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ घंटे के लिए वो जगह सजेस्ट कर सकती हूँ, बट नॉट कि ऐसा है कि बैंगलोर का एकदम अट्रैक्टिव प्लेस में से वो है। एंड बट एक हाँ, एक नया प्लेस एक्सप्लोर हो गया है। तुम्हें कैसा लगा? ठीक ठाक, मुझे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, मुझे ऐसे जगह पार्क जंगल ये सब पसंद नहीं है, जाना था गए बस, मुझे हमेशा क्लीन साफ सुथरा जगह पसंद है, इसीलिए फिनिक्स चले गए थे हम लोग। वहाँ अच्छा रहता है, और कुछ भी मतलब मन करता है तो खरीद भी सकते हैं, खाने का मन हो तो खा भी सकते हैं, तो अच्छा लगता है, और एक इवनिंग आउटिंग जैसा भी हो जाता है। तो आज के ब्लॉग को मैं इसी नोट पे एंड करती हूँ, हमारे किस्मी जार जार से थोड़ा किस्मी भर खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ मूवी वूवी अच्छा लगा तो देखेंगे, वही ढूंढ रहे हैं अभी नेटफ्लिक्स पे, मिलता है तो वॉच करेंगे, नहीं तो ऐसे गप्पे लड़ाएंगे। तो आज के ब्लॉग को मैं इसी नोट पे एंड करती हूँ, और अगर आपको इस ब्लॉग पे कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपसे मैं फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। Till then, bye-bye, take care.